इतना सारा मेकअप का सामान है इसी से। ये आईब्रो आईब्रो वाले ले ली दोस्तों, आप लोगों से एक हेल्प चाहिए थी मुझे। मैं कहा मैं ना लोअर में हूँ, मैं कहा जींस पहन लेता हूँ, हैं तो पता क्या करे करे, आपको कौन देख रहा है वहाँ। और तो ये आ गया हमारा ऑर्डर। तो लोग सोच रहे हैं अभी अभी तो इनकी शादी भी है, चूड़ा पहन रखा है हाथ में और दो रेडीमेड बच्चे भी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत आपका मेरे को नई वीडियो में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30, अब तो अभी उठ गया हूँ और हमने सोचा था आज से मॉर्निंग वॉक जाएंगे, लेकिन 5 बजे अलार्म बजता रहा और वो काटते रहे, लेकिन उठी नहीं था, नींद आ रही थी ना कैसा। रात को तो बोलते हैं कि मतलब उठ जाएंगे या सुबह वॉक पर जाएंगे, लेकिन जब सुबह अलार्म बजता नींद आ रही होती है तो छोड़ो यार, ऐसा हो जाता है। तो चलो अभी चलते हैं, मुँह हाथ धोते हैं। तो चलो जी करते हैं नाश्ता। और आज नाश्ते में मेरे मैगी है और अंडा के ऑमलेट है और ये न्यूट्री की भुर्जी है। न्यूट्री की भुर्जी ये यहाँ मिलती है, पता हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। यहाँ न्यूट्री की ना छोटे छोटे पीस पीस करके मिलते हैं, उसकी भुर्जी बना सकते हो अंडे की तरह। और हमारे यहाँ तो साबुत ही मिलती है, बड़ी होती है जो सोयाबीन की। तो चलो करते हैं नाश्ता फिर। और इससे पहले मैंने अनुपमा लगाया था, बहुत सारे एपिसोड मैंने नहीं देखे थे वो लगाया था। तो मेरे पति इतने मतलब उनको अनुपमा बिल्कुल पसंद नहीं है, अब वो अनुपमा मैंने लगाया था तो बाहर बैठे अभी खाती हूं यहां पे बाहर। ऐसा मुंह देखे मैंने अनुपमा लगाया तो बाहर बैठ गए, पता है इतनी क्या चिड़ा आपको अनुपमा से, ये बताओ। नहीं नहीं आप गुस्से में बैठे हो यहाँ पे, मैंने सुबह सुबह अनुपमा लगाया था, देखो आपके चेहरे से ही लग रहा है आप गुस्से में हो। कोई 5 बजे उठने वाला था, 5 बजे 5 बजे कितने बार अलार्म बजा आपने, बंद कर दिया। मैं तो उठ गई, मम्मी से पूछो मैं उठ गई थी। आप सोए हो घोड़े बेच के, 5 बजे उठ के मैं तो वॉक करके आ भी गई, मम्मी से पूछ लो। घूम के ना आ गया। तो जी आज कर रही हूँ मैं अपने मेकअप ब्रशेस को क्लीन, जिससे कि हम रोज अपने टीथ ब्रश करते हैं उसी तरीके से हमें अपने ब्रशेस भी क्लीन करने पड़ते हैं। तो वैसे तो इसको क्लीन करने के लिए क्लींजर आता है, बट मैंने जो यूज़ किया है वो शैम्पू यूज़ किया है। तो मैंने इसमें शैम्पू डाला है और इसमें ब्रशेस को डिप कर दिया है, तो फिर जो भी इसमें प्रोडक्ट रह जाता है ना वो निकल जाता है, ठीक है। तो फिर क्योंकि हम मेकअप करते रहते हैं और उसमें प्रोडक्ट जो है स्टोर हो जाता है, तो उसको हम अगर वॉश करेंगे तो हम अगला मेकअप करेंगे तो उससे ना क्लीन रहता है सारी चीज़ें, और बैक्टीरिया वगैरह जो भी होते हैं वो उसमें नहीं रहते हैं, और इससे मेकअप करना और भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको तो मेरा आज यही काम है, तो मैं इनको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आने वाले 19 को, इस 19 को मेरा एक और मेकअप है, तो इस महीने का लास्ट मेकअप है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, क्या होता है ना हमारी शादी हो जाती है और फिर भी जो माँ होती है ना, जो माँ का आपको देखने का नज़रिया या उसका जो प्यार होता है ना माँ को, कभी आपके लिए ख़त्म नहीं होता, और वो वैसे ही आपको प्यार करती है जैसे वो बचपन जब आप पैदा हुए थे तब वो करती थी, उसी तरीके से तुम्हारी शादी हो जाए, आप बुड्ढे हो जाओ, ठीक है, आपके बच्चे हो जाए, फिर भी माँ उसी तरीके से प्यार करती है। और मैं अपनी माँ का आपको दिखाती हूँ एग्जांपल कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। मेरी मम्मी मेरी वैनिटी को पूरा क्लीन करके, मेरी मम्मी ने वॉश कर दिया, और मेरा ब्रश इसका जो है ना इसको रखने वाला वो भी, और मेरा जो बैग है जिसमें मैं हेयर का पूरा सामान रखती वो, तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरी मम्मी ना लगी पड़ी थी यार, ये गंदा हो रहा है, मैं साफ कर देती थी सुबह से लगी थी मेरे पीछे। तो जी अभी दिन के बज रहे हैं 2 और अभी मेरी जस्ट ब्रेक हुई है लंच, तो मैं लंच करने बैठा हूँ, पी हुई बैठी है, और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी आज तो, ऐसा लग रहा है कि भट्टी में बैठे होंगे, मतलब इतनी लू चल रही है ना बाहर, तो बनियान में आ गया, अपने टी शर्ट उतार दी, तो अभी तो मेरा नहाने का टाइम ही लगा, अभी नहाया नहीं, अभी नहाऊंगा मैं अभी काम को ख़त्म करने के बाद। तो अभी खाना वाना खाते हैं, अंशु दिव्या भी आ गए, वो अभी चेंज कर रहे हैं, अभी फिर मिलवाते हैं उनसे, खाना वाना खाते हैं पहले, गर्मी हो गई ना बहुत ज़्यादा, बहुत हो रही है बाहर, वो धूप है ना। ये तो अभी मार्केट गई थी ना इधर, तो उनको छोड़ के आए, तो गर्मी इतनी हो रही है बाहर, हवा लेके आई थी, वो आइसक्रीम लेके आए ना, नहीं वो आइसक्रीम जब मैंने निकाली ना इतनी निकली अंदर पिघल गई, सही है पर टेस्ट अच्छा था, हाँ कुल्फी थी कुल्फी। तो चलो खाते हैं फिर खाना, आइसक्रीम आइसक्रीम के सुनते नहीं, एक बार देखो वो छुपके सुन रहा, वो सुन आइसक्रीम खाएगी, खाएगी ना, कौन लाया आइसक्रीम, कौन लाया, फूफा जी बुआ जी लाए हैं, बुआ जी फूफा जी, फूफा जी लाए हैं बोले ना, तो ये अभी स्कूल से आ रहे हैं सीधा फ्रिज में,
खाने के लिए लड़ रहे हैं देखो ये। इस ब्लू प्लेट में क्या रखा हुआ है? ये रोज का ही है इनका, रोने लग गई देखो ये। क्यों मारा तूने उसको? क्यों मारा? मारो थप्पड़ एक। दिव्यांशी चल आ जा। ये तो बस लड़ते रहते, लड़ते इतना मारूंगी ना तेरे को मैं। तो देखो आज हमारी बुआरी ने अपना वैनिटी, इसे बोलते हैं जैसे मेकअप का सामान था वैनिटी बोलते हैं इसको, तो वो धोया और देखो अभी रखते रखते तोड़ ही दिया इन्होंने। देखो यहाँ बीच से फेविकोल लगा उसमें। तो ये देखो इतना सारा मेकअप का सामान है, इसी से जो है लड़की की सूरत बदल देते हैं ये लोग क्या से क्या कर देते हैं। और कितने का होगा वैसे सामान ही पड़ा हुआ ऐसा? देखो और इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट आते हैं ना ये ब्रांडेड वाले। ये कितने का होगा? गेस करो कितने का होगा ये? होगा 2-3 हज़ार का। 4,500 का। तो गोरा भी तो बना देती है ये देखो। तो फिर वैसे गंदे सस्ते मिल जाते हैं। और ये देखो ये होती है, ये क्या होता है स्किन टोन बोलते से क्या बोलते ये आईब्रो, आईब्रो वाले है ना ये? हाँ आई शेडो, ये नीले पीले आंखें कर देते इससे देखो। और कितने सारे ये भी है, ये भी वही आई शेडो नहीं ये स्किन वाला, ये लिपस्टिक है। बाप रे पीली लिपस्टिक। आपको टाइम लगेगा, एक दिन मैं आपको पहचानने के लिए वो दूंगी मैं कि क्या क्या है। तो ये लिपस्टिक, ये पीली लिपस्टिक कौन लगाता है? इसको मिक्स करते हैं ना। अच्छा कलर बनाते हैं? आपने कलर बनाना सीखा था? हाँ ड्राइंग में, ड्राइंग में। अच्छा ऐसा कलर बनाते हो? इससे भी कलर बनाते हैं। क्या बात है। कैसे बताओ तो एक कलर बला के कौन सा बनता है? कैसे अभी स्पैचुला नहीं मेरे पास, किससे बनाऊं? अरे वैसे बताओ ना कौन से कलर मिला के कौन सा बनता है? अरे वो तो उसे उसे टाइम बनेगा। अच्छा मतलब आपको भी नहीं पता, बस मिला दो बस है? नहीं मतलब ये बनाएंगे थोड़ा सा रेड और ये ब्लू ऐसे करके करेंगे तो ऐसे करके मिला सकते हैं ना। तितलियां लगाने का अलग चार्ज करे, मेरे पास पड़ी है बालों वाली, वो लगा दूंगी केक में। वो बोला था धोखे लगा, धोखे लगा। कितना सारा सामान है देखो, ये सब मेकअप के देख लो, ऐसे थोड़ी फिर इतना खर्चा होता सही में। तो चलो एक फ़ायदा तो है इनका कि शादी करके मुझे मेकअप का सामान नहीं दिलाना पड़ेगा इनका, क्योंकि इतने ही इनके बहुत सारे पड़े हैं तो वो मेरा खर्चा बच गया एक। सही है, है ना। आप लोगों को भी अगर मेकअप बुकिंग करवानी है तो पीहू से करवा सकते हैं, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, किसी भी टाइप का मेकअप तो वो पीहू करती है। और इंस्टाग्राम का पेज भी है, मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ इनकी ब्राइड जो इन्होंने काम किया वो वहाँ पे दिखेंगे आपको। तो किसी भी प्रकार का मेकअप करवाना हो तो आप इनसे करवा सकते हैं, प्रो मेकअप आर्टिस्ट पुष्पा रावत। तो जी अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अभी जो ब्रेक हुई मेरी उसके बाद मैं नहाया धोया, तो गर्मी बहुत है क्या करें, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। तो दोस्तों आप लोगों से एक हेल्प चाहिए थी मुझे, हेल्प क्या एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, क्योंकि मेरे साथ ना 1-1.5 महीने से क्या हो रहा कि हमारे घर में ना, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी ना, हमारे घर में चींटियाँ हो रही थी, लाल चींटियाँ हो रही हमारे घर में पता नहीं कि। और जब मैं वहाँ था ना, जब हम यहाँ आते ससुराल तब उस दिन भी रात को मेरे को चींटियों ने यहाँ सारा गले में काट लिया था। और क्या हो रहा है कि यहाँ भी चींटियाँ मेरे पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो यहाँ भी चींटियाँ ना, और किसी को नहीं काट रही, क्योंकि घर में चींटियाँ है भी नहीं, कहीं दिख भी नहीं रही हैं, लेकिन जहाँ मैं बैठ रहा हूँ, जहाँ मैं सो रहा हूँ, मेरे ऊपर चींटियाँ चढ़ जा रही और मुझे काट रही हैं। तो पता नहीं कोई कहता कि कुछ होता है, पता नहीं कोई कहता कि इसी कोई कारण होते हैं या मतलब कोई संकेत होते हैं, तो सबकी अलग अलग वो है। बाकी मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को पता है, किसी को या अपने पेरेंट्स से पूछ सकता है, दादी से, आसपास कोई अपने बुजुर्गों से पूछ सकता है, क्योंकि उनको ज़रूर पता होगा कि क्या चीज़ होती क्या नहीं, ताकि मैं उसका उपाय कर सकूं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं। आज ही मेरे यहां पे देखो, यहां पे इधर इधर की साइड यहां 2 काट लिया सुबह, और किसी को नहीं काट रही घर में, और ना दिख रही किसी को, बस मेरे जब बॉडी में चढ़ जा रही है और काट जा रही है ऐसा कुछ हो रहा है। तो पता नहीं कोई कहता पितृदोष है, कोई कुछ कहता है पता नहीं, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या है। तो आप लोगों से यही हेल्प चाहिए कि मतलब आप अपने, या आपको पता है तो आप कमेंट करें, या अपने पेरेंट्स से पूछ के, बुज़ुर्गों से, किसी से भी पूछे जो इसका जानकार हो, क्या है, ताकि मैं इसका कुछ उपाय कर सकूं और राहत मिले मुझे। बहुत ज़्यादा परेशान होगा समझ में, और काटते ना तो इतने
गंदा होता ना, इरिटेशन इतनी और खुजली और इतने मोटे मोटे दान हो जाते हैं, पूरे लाल चीटियाँ बड़ी बेकार होती हैं। तो आप प्लीज़ मुझे बताएं और मेरी हेल्प करें इसमें। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7:30, अब मेरा ऑफिस ख़त्म हो गया है और अभी हम निकल रहे हैं। आज हम सोच रहे हैं, बड़े दिनों से बोल रहे थे KFC जाते हैं, तो आज फाइनली हम सब लोग KFC जा रहे हैं, मतलब हम दोनों और बच्चे। और देखो, मैंने ना इन्हें बोला कि मैं तैयार हो जाता हूँ, मैं ना लोअर में हूँ, मैं कहा जीन्स पहन लेता हूँ, हैं तो पता क्या कह रहे आपको कौन देख रहा है वहाँ, और खुद देखो सूट सार पहन के पूरा तैयार हो के। ना मेरी तो 6 साल पहले होगी थी। ऐसे लोग है, खत्म है भैया, मैटर खत्म। आप तो सद धज के अमेरिका, मुझे जीन्स देता, मैं जीन्स पहन लेता, बस आपको कौन देख रहा है, बस बर्बाद है भैया शादी करके लाइफ। अनसुया तैयार हो रहा है और दिव्यांशी, देखो दिव्यांशी लो तैयार हो रही है, वाह। एक मैं हूँ, ये देखो क्या दिव्यांशी ने दो सींग भी लगा लिए। दिव्यांशी सींग कहाँ से लेके आई तू? अच्छा दीवार में चढ़ना होगा तुमने, छिपक ली। तो चलो जी निकले हम, अभी लाइट जा रखी, अंधेरा हो रखा, देखो और तूफान आ रहा है, और हेलमेट देख रहे हो मेरा, कबीर सिंह वाला। जोमैटो वाला कितना कमा लेता हूँ भाई साहब, 300 रुपये इंसेंटिव लगा के। चलो चले, तो जी पहुँच गए हम KFC आउटलेट में। ये दोनों देखो KFC के लिए कितने एक्साइटेड है 3-4 दिनों से। किधर भी जाए से क्या खाएगी, मुर्गा खाएगी, मुर्गा चला जा। तो ये है कुछ आउटलेट ऐसा। चलो भाई अंशु क्या खाएगा, चिकन, कौन सा वाला चिकन खाएगा, वो वाला? ये तो बर्गर है, वो भी बर्गर है, कड़कड़ा होता जो। तो ये आ गया हमारा ऑर्डर, ये बड़े दिनों बाद KFC मील। ये तो इनकी शक्लें देखो कितने खुश है, अभी तुम्हारे पापा रहता तुम्हारी वीडियो बनाता है ना, मुझे भी काफ़ी क्रेविंग्स हो रही थी। और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने भी KFC नहीं गया था, पहले गांव में था, उसके बाद शादी हो गई तो फिर बुलाने पड़े, तो KFC जाना कम हो गया। पहले तो हम बहुत रेगुलर जाते थे, क्रेविंग्स जो इसकी चिकन विंग्स और कॉटन क्रिस्पी वाले भी तो बड़े मज़ा थे। आज वेनसडे था, हमें आइडिया नहीं था, वेनसडे स्पेशल होता है, ऑफर चलते हैं, वेट भी नहीं कर रहे हैं। अंशु कह रहे पहले ब्लॉग बनाओ, चलो अपना मील इंजॉय कर लो। क्या कह रहे हो, चिकन लेग पीस? ये देखो बाप रे, ये तो ऐसे खा रहे जैसे जन्मों के भूखे होंगे। तो अभी हमने खा लिया और ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे तूफान आया, तूफान। यहाँ देखो या देखो हड्डियाँ का चीथड़े ऑर्डर के हड्डियों के, हमने इतने कम टाइम में खाया, हाँ 5 मिनट में सप्पा चट करके, इन दोनों के देखो सकले कितनी मासूम है, उधेड़ उधेड़ के खाया उन्होंने। ये देखो हड्डियाँ जो मासूम सकल दिख रही है ना, इसके पीछे ना एक खतरनाक है, खतरनाक। और खाने कुछ नहीं हो गया, इतना सब कुछ खाने के बाद और खाने कुछ, पेट नहीं भरे तो अब रावत के बाद जाते हैं, नहीं हो गया कह रहे नहीं कह रहा नहीं कह रहा। तो जी आगे अभी हम KFC से, और लोग हमें देखे इतना कंफ्यूज है ना, तो लोग सोच रहे हैं अभी अभी तो इनकी शादी भी है, चूड़ा पहन रखा है हाथ में और 2 रेडीमेड बच्चे भी हैं। अंशु दी भी हमारे साथ रहते ना 24 घंटे, और यहाँ पे भी लोग हमें घूर घूर के देख रहे हैं, कह रहे बच्चे तो शादी तो अभी अभी हुई है, बच्चे कहाँ से आए, कहाँ से आए तुम? ये हमारे साथ देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। चल बेटा चल, और क्या खाएगी अब, आइसक्रीम खाएगी, आइसक्रीम? अंशु अंदर ही रह गया,
अरे वो खोला बंद तो नहीं हो गया वो? अभी हम बाहर आ गए, अब जाते हैं घर और आइसक्रीम वाला ढूंढ रहे हैं। और हल्द्वानी ना 8-9 बजे ही बंद हो जाता है। टाइम 8:30-9 बज रहे हैं और सब बंद हो गया। देखो मार्केट सब दुकानें बंद करके चले गए। शुक्र है KFC वाले खुले थे। बस ये भी लास्ट ऑर्डर ही होंगे इनके, तो जल्दी बंद हो जाता है यहाँ। मतलब जैसे और सिटीज़ की तरह नहीं है तो रात भर खुले रहते हैं और लेट नाइट तक यहाँ नहीं आता। चलो चले फिर, अब आइसक्रीम वाला ढूंढते हैं। तो यहाँ पे आइसक्रीम वाले भैया मिल गया हमें, यहाँ पे ले रहे हैं। एक वो ऑरेंज वाली भी तो थी, वो वाली कौन सी थी जिस ऑरेंज और अंदर वाइट वाले दा आता था? यहाँ पे नहीं होगा, पैक कर देना भैया। तो जी अभी हम घर को जा रहे हैं। वारी चला रही है, अंशु मेरे साथ है। तो चार लदे पड़े हैं हम। वही तो, ये स्कूटी थोड़ी है। ये स्कूटी नहीं है, ये हमारा वो है, क्या कहते हैं, कार है, प्राइवेट कार। और कोई आज भी कमेंट भी कर रहा था, कह रहा अंकू भाई कहता गाड़ी खरीद लो, फोर व्हीलर। तो हम एक जैसे ही मेरी लॉटरी लगेगी वैसे ही मैं फोर व्हीलर ले लूंगा। क्यों मजा आ रहा है ऐसे राइड करके रात को। और आइसक्रीम हमने घर के लिए ले लिया, घर में जाके खाएंगे सबके साथ। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, मतलब एक स्कूटी में हम हैं तो चार लोग का हो गया ना ये। फोर व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर ना दिया हमने। पहुंच गए हम घर। दिव्यांशी हेलो दोस्तों, फूफा जी आ गए, स्वागत करो। क्या करो, स्वागत करो। अम्मा सो गई, खाना खा लिया आप लोगों ने? इनका पूछो पेट भरा, रोटी तो नहीं खानी अंशु? कद्दू की सब्जी क्या खा के आ रहे हो, बताओ बताओ। चिकन ऐसे उधेड़ा इन्होंने, ऐसे उधेड़ा। ये लो सबके लिए आइसक्रीम। तो घर पहुंच के हम खा रहे हैं आइसक्रीम। और आइसक्रीम गर्मी देख लो इतनी है, आते आते आइसक्रीम पिघल गई है पूरी। तो चलो अभी हम चेंज चुन करके फिर सो जाते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक जय देवभूमि, जय भारत, जय जाता टिल द एंड, बाय।